नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को तेज विकास की ओर ले जाने के लिए वैज्ञानिकों से नवाचार, पेटेंट, उत्पादन और समृद्धि की दिशा में काम करने का किया आह्वान। बेंगलुरु में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का किया उद्घाटन। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने युवाओं से रोजगार के नए अवसरों के लिए वैज्ञानिक विधि से कृषि, बागवानी और पशुपालन करने की अपील। लोहित जिले में गांव बुरा किसानों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर किया वार्तालाप। नेशनल हैंडलूम एक्सपो आज से ईटानगर के टेक्सटाइल्स और हस्तशिल्प निदेशालय में शुरू। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में स्थानीय उत्पादों का किया जा रहा है प्रदर्शन और बिक्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को तेज विकास की ओर अग्रसर करने के लिए वैज्ञानिकों से चार कदम उठाने को कहा है। ये है नवाचार, पेटेंट, उत्पादन और समृद्धि। उन्होंने भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के परिदृश्य को बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत के विकास की कहानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी सफलता पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री आज बंगलुरु के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि को सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन तथा ऊर्जा भंडारण विकल्पों के लिए दीर्घावधि दिशा निर्देश बनाने चाहिए। न्यू इंडिया को टेक्नोलॉजी भी चाहिए और लॉजिकल टेम्परामेंट भी, ताकि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास को हम नई दिशा दे सके। भारत के समाज को जोड़ने का काम, अवसरों की समानता लाने में साइंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। भारत में ही बन रहे सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते डेटा ने एक बहुत बड़ी प्रिविलेज को खत्म किया। आई हैव बीन टोल्ड दैट इंडिया हैज गॉन अप टू थर्ड पोजीशन ग्लोबली in the number of peer-reviewed science and engineering publications. It is also growing at a rate of about 10% compared to around 4%, which is the global average. I'm also happy to learn that India's ranking has improved in the innovation index to 52. Our programs have created more technology business indicators in incubators in the last 5 years than in the previous 50 years. Bharat ke vikas mein, vishesh taur par gramin vikas mein, technology ki upyogita ko hame aur vyapak banana hai. आने वाला दशक भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधारित गवर्नेंस के लिए एक डिसाइसिव समय होने वाला है। विशेष तौर पर कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर और फार्म टू कंज्यूमर के बीच के सप्लाई चेन नेटवर्क को लेकर अभूतपूर्व संभावनाएं टेक्नोलॉजी लाने वाली है। इसका सीधा लाभ गांव को होने वाला है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा है कि वे नए दशक के लिए देश में विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा और गति तय करने के लिए एक प्रभावी रूपरेखा तैयार करें। श्री मोदी कल बंगलुरु में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की 5 युवा प्रयोगशालाएं राष्ट्र को समर्पित करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। ये प्रयोगशालाएं भावी रक्षा प्रणाली के विकास में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का काम करेगी। डीआरडीओ में आयोजित एक प्रदर्शनी का अवलोकन करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर एक एक रक्षा उत्पाद की बारीकी से जानकारी ली
रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ावा मिले, इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार प्रयास करती रही है। इसी का नतीजा है कि पीएम मोदी ने राष्ट्र को 5 रक्षा अनुसंधान संबंधी युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को समर्पित किया। आधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 5 प्रयोगशालाएं स्थापित करने के सुझाव पर सरकार ने गंभीरता के साथ काम किया और अब बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में ऐसे संस्थानों को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि ये प्रयोगशालाएं देश में उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध और विकास के स्वरूप को तैयार करने में मदद करेंगी। लैब्स सिर्फ टेक्नोलॉजी को टेस्ट नहीं करेगी, ये मेरे यंग साइंटिस्ट के टेम्परामेंट को और पेशेंस को भी टेस्ट करने के लिए है। आपके प्रयास और निरंतर अभ्यास से ही भारत सफलता के रास्ते पर आगे ले जाएगा। सिर्फ पॉजिटिविटी और पर्पज, यही आपकी प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए। आने वाले समय में एयर और सी के साथ साथ साइबर और स्पेस भी दुनिया के स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स को तय करने वाले हैं। इसके साथ साथ इंटेलिजेंट मशीन्स भविष्य की रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में भारत किसी से भी पीछे नहीं रह सकता। अपने नागरिकों, अपनी सीमाओं, अपने हितों की रक्षा के लिए भविष्य की तकनीक पर इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दशक दुनिया में भारत का स्थान तय करने का है। पीएम ने कहा कि नए और पुराने भारत के बीच संचार बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया भारत का भविष्य बदल रहा है। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने राज्य के त्वरित विकास के लिए सरकारी अधिकारियों, सभी गांव बूढ़ा, किसानों और सामाजिक संगठनों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया है। लोहित जिले के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन कल तेजू में विभागीय प्रमुखों, गांव बूढ़ा, किसानों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान राज्यपाल ने प्रदेश में कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए युवाओं से इस क्षेत्र में आने और वैज्ञानिक विधि से कृषि, बागवानी और पशुपालन करने की अपील की। श्री मिश्रा ने अफीम और अन्य मादक पदार्थों की खेती के विकल्प के अन्य नकदी फसलों का उत्पादन कर स्थानीय लोगों से आय बढ़ाने का सुझाव दिया। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार, स्थानीय विधायक और कई आला अधिकारी मौजूद थे। अरुणाचल इंडिजिनस स्टूडेंट्स यूनियन AISU ने राज्य में रह रहे शरणार्थियों को देश के किसी प्रदेश में बाहर कहीं और बसाने की मांग को लेकर आज ईटानगर धरना प्रदर्शन किया। इसमें राज्य के अन्य संगठनों के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। संघ ने राज्य के मूल नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए चकमा, हाजोंग और रोहिंग्या शरणार्थियों को प्रदेश से बाहर किए जाने की मांग करते हुए कहा कि स्थानीय कला, संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। ईरान की कुछ फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी इराक के बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका के हवाई हमले में मारे गए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग और व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने की पुष्टि की है। इस हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। इनमें इराकी मिलिशिया के अबू महदी अल मुहादिन्स भी शामिल है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि उसकी सेना ने विदेशों में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर निर्णायक रक्षात्मक कार्रवाई की है। विभाग के बयान में कहा गया है कि इस हमले का उद्देश्य भविष्य में ईरान की हमले की योजना पर रोक लगाना है। ईरान के विदेश मंत्री ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की निंदा करते हुए इसे खतरनाक बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके नतीजों के लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। अमरीकी हमले में ईरान के शीर्ष जनरल के मारे जाने की खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में आज 2% से अधिक की वृद्धि हुई है। क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका के कारण तेल कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेशनल हैंडलूम एक्सपो आज से टेक्सटाइल्स और हस्तशिल्प निदेशालय ईटानगर में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा राज्य के इस क्षेत्र के उद्यमियों के उत्पादनों के विपणन के लिए आयोजित यह एक्सपो आगामी 16 जनवरी तक चलेगा। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शन किया जा रहा है और लोग अपनी पसंद के अनुसार परिधानों के अलावा अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को खरीद सकते हैं।
बम्बू का मग लेके आया और दाव लेके आया, फानोय लुंगी, ये लुंगी है मतलब फानोय बोलते हैं हम लोग, ये दाव है लोकेले में नाप तरवा थे मतलब, ये जो ये दाव जो ये लोहा जो है हम कुमार से लेके जाते हैं, तो ये खरीद के लाने के बाद में नल और ये खाक जो ये सब खुद बनाते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रा के दौरान यात्रियों की शिकायतों के तुरंत समाधान और पूछताछ समेत सभी सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन नंबरों को हेल्पलाइन संख्या 139 के साथ एकीकृत कर दिया है। यह मौजूदा सभी हेल्पलाइन सेवाओं को स्थान ले लेगी और 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी। इस नंबर पर केवल स्मार्टफोन से ही नहीं बल्कि किसी भी मोबाइल फोन से संपर्क किया जा सकता है। ताजिन जनजाति के प्रमुख कृषि आधारित पर्व सी-दोन्यी के तहत आज नाहरलगन में मिनी मैराथन दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। सी-दोन्यी ग्राउंड नाहरलगन में इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष जनवरी महीने के पहले सप्ताह में आयोजित होने वाले सी-दोन्यी त्यौहार के तहत पारंपरिक लोक नृत्य के अलावा खेलकूद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। भारतीय सेना सीमाओं की रक्षा के अलावा सीमावर्ती इलाकों के लोगों की अन्य जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर के पूंछ में सेना द्वारा नागरिक सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को जरूरी पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है ताकि दूर दराज के छात्र भी व्यवस्थित ढंग से तैयारी कर सके। व्यायाम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। नियमित व्यायाम करने से हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में व्यायाम करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है और तापमान कम होता है, शारीरिक सक्रियता में भी कमी आती है, जिसके कारण स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती है। सर्दियों में सुबह के वक्त जो लोग सैर करने पहले जाते थे उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है और उस समय एयर पॉल्यूशन भी अधिक होता है। तो आप कोई और समय चुनिए दिन का जब आपको व्यायाम करने में सुविधा हो, जब तापमान भी आपके मन मुताबिक हो और पॉल्यूशन भी कम हो। उसके लिए आप दोपहर का समय या शाम का समय चुन सकते हैं। यदि बाहर बहुत प्रदूषण है तो आप इनडोर एक्टिविटी और एक्सरसाइज पर भी ध्यान दीजिए। घर के अंदर टहलना बहुत ज़रूरी है। दिन भर की अलग एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर संभव हो तो एक्सरसाइज साइकिल खरीदी जा सकती है या कोई जिम ज्वाइन किया जा सकता है जहां एक्सरसाइज साइकिल के अलावा ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर और इस प्रकार के एक्सरसाइज के इक्विपमेंट्स होते हैं। जरूरी है कि सर्दियों के मौसम में भी व्यायाम किया जाए, साथ ही सर्दी में व्यायाम करते समय अधिक सतर्क रहना आवश्यक है। एक्सरसाइज करने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन सर्दियों को ध्यान में रखते हुए आप कर सकते हैं। दूसरा ध्यान रखना ज़रूरी है कि एक्सरसाइज ऑल ऑफ ए सडन अचानक बहुत अधिक ना करें। पहले वार्म अप करें जो 5 से 10 मिनट का होना चाहिए ताकि आपका शरीर थोड़ा सा खुले, मांसपेशियां थोड़ी खुलें और हृदय की गति थोड़ी बढ़नी शुरू हो। उसके बाद मेन एक्सरसाइज का फेज़ आता है जो 20 मिनट से आधे घंटे का हो सकता है, जिसमें आप अपनी पीक पर एक्सरसाइज करिए और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर का रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम अपनी वापस ओरिजिनल स्थिति में सेफ तरीके से आ सके। तो ठंडे मौसम में भी व्यायाम और सैर अवश्य करें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और आपकी ऊर्जा बनी रहे। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।